हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आकांक्षा। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि आजकल पार्लर जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, अभी भी रिस्की है। तो हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप घर पे ही अपने क्लीनअप फेशियल वगैरह कर लो, पार्लर मत जाओ। और मैं तो काफ़ी टाइम हो गया घर पे ही सारी चीज़ें करती हूँ, पार्लर बिल्कुल भी नहीं जाती हूँ। तो इसलिए आज के वीडियो में एक फेशियल किट के बारे में बात करने वाली हूँ। वीडियो में मैं लोटस हर्बल रेडिएंट ग्लो डायमंड किट के बारे में बात करने वाली हूँ, जो कि दो साइज़ में आता है। एक स्मॉल साइज़ है, एक बड़ा साइज़ है। जो स्मॉल साइज़ है उसमें आपको सैशे मिलेंगे जिनको आप 2-3 बार यूज़ कर सकते हो, पर जो इनका बड़ा पैक है उसको आप काफ़ी टाइम तक यूज़ कर सकते हो। ये दोनों ही बड़े ही अफोर्डेबल हैं, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देते हैं और काफ़ी अच्छे हैं। तो आगे वीडियो में देखेंगे कि इनको कैसे यूज़ करना है, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं इसको करने के लिए। इस फेशियल किट को यूज़ करना बड़ा ही आसान है, 4 सिंपल स्टेप्स हैं। ये 4 सिंपल स्टेप्स फॉलो करके आप इसको कर सकते हो। बड़ा ही आसान है, घर पे आसानी से किया जा सकता है। और ज़रूरी नहीं है कि आपके पास मशीन्स वगैरह हो तभी आप इसको कर सकते हो। नॉर्मल आप आधा घंटे मसाज करोगे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और आसानी से ये हो जाएगा। लोटस हर्बल रेडिएंट डायमंड फेशियल किट, इसके बेनिफिट्स की बात करूँ तो आपको इंस्टेंट रेडिएंट ग्लो प्रोवाइड करेगा, पॉलिश्ड स्किन प्रोवाइड करेगा, क्लीन एंड पॉलिश्ड स्किन, इवन टोन हो जाएगा। इसको यूज़ करने के बाद आपकी स्किन काफ़ी यंग लगेगी, ग्लोइंग लगेगी, शाइनी लगेगी। इसमें डायमंड डस्ट और सिनेमन का यूज़ किया गया है, केमिकल फ्री फेशियल किट है। तो इनका फर्स्ट स्टेप है, ये है क्लेंजिंग स्क्रब। तो आपको अपनी स्किन पे 5-10 मिनट तक सर्कुलर मोशन में अच्छे से मसाज कर लेना है। इसमें डायमंड डस्ट का यूज़ किया गया है, एम्बर एक्सट्रैक्ट और सिनेमन का यूज़ किया गया है, जो कि बहुत अच्छे से स्किन से सारे डेड स्किन को रिमूव कर देता है। सेकेंड स्टेप है इनका एक्टिवेटर, डायमंड एक्टिवेटर। तो ये स्किन में अंदर तक पेनिट्रेट होता है और स्किन पे ग्लो प्रोवाइड करेगा, स्किन को रेडिएंट बनाता है। 5-7 ड्रॉप्स आप इसकी ले लीजिए और स्किन पे अच्छे से मसाज कर दीजिए और वाइप आउट कर दीजिए। तो ये इनका थर्ड स्टेप है मसाज क्रीम। इस क्रीम को आपको 10 से 15 मिनट तक अच्छे से अपने फेस पे, नेक पे मसाज कर लेनी है। इसमें माइक्रो पार्टिकल्स यूज़ किए गए हैं जो कि न्यू सेल्स जनरेट करने में हेल्प करेगी, स्किन को बहुत अच्छे से नरिश करेगी और मॉइस्चर प्रोवाइड करेगी। और जेंटल मसाज करनी है आपको अपने स्किन पे। तो ये लास्ट स्टेप है, ये है डायमंड मास्क। ये जो डायमंड मास्क है आपकी स्किन को लाइटन करने में हेल्प करेगा, स्किन कॉम्प्लेक्शन इम्प्रूव करेगा, डार्क पैचेस हैं, डल स्किन हो गई है उसको इम्प्रूव करेगा, ग्लोइंग बनाएगा और स्मूथ बनाएगा। तो आप अपने फेस के अकॉर्डिंग क्वांटिटी लेके अच्छे से अप्लाई कर लीजिए, 10-15 मिनट में ये ड्राई हो जाएगा और फिर इसको वॉश कर लीजिए। स्क्रब करने से पहले स्टीम दे सकते हैं अपने फेस को, स्क्रबिंग के बाद आप अपने ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स रिमूव कर सकते हैं। तो आप फेस मास्क को वॉश करते हैं तो नॉर्मल वाटर से वॉश कीजिए, उस दिन हो सके तो आप कोई भी फेस वॉश वगैरह यूज़ ना करें और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और एक बार यूज़ करके ज़रूर देखना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।